आप अभी चिंता मत करिए, हम जो कुछ भी करेंगे पहले हाउस में रखेंगे। अभी आप पहुँचिए, सब चीज हम लोग हाउस में रखेंगे। अभी आप मत पूछिए हमसे, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। एक एक चीज लोगों के सामने, अभी हम दोनों पार्टी का मीटिंग करेंगे, पूरे हाउस में रखेंगे, सबकी राय हम लोग सुनेंगे और उसके बाद जो कुछ भी करना है सरकार को वो उसी समय, अभी मत चिंता करें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अगले महीने की 6 से 10 तारीख तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र के दौरान न केवल जातीय सर्वे की रिपोर्ट बल्कि बहुप्रतीक्षित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जातीय सर्वे दोनों के ऊपर हर पार्टी हर दल के लोगों के सदस्यों की राय ली जाएगी। वाद विवाद में सभी लोग भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ किसी को अगर इस रिपोर्ट के संबंध में कुछ शंका है या कुछ त्रुटियों के बारे में कुछ उजागर करना है तो उस पर भी खुली चर्चा होगी। सरकार की तरफ से हर एक आलोचना या हर एक त्रुटियों के बारे में सदन में उनके द्वारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस सत्र का महत्व इसलिए भी है कि बीजेपी जो जब से ये रिपोर्ट आई है तब से इस रिपोर्ट की त्रुटियों के बारे में कह रही है। बीजेपी बिहार के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने एक आशंका व्यक्त की है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बहाने जो अति पिछड़ी समुदाय में अति पिछड़ी जातियों में जो कुशवाहा जाति की एक उपजाति डांगी है और बनिया समाज की कई सारी जातियां जो हैं जो उपजातियां हैं वो अति पिछड़ों में शामिल हैं, उन्हें आने वाले दिनों में नीतीश कुमार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बहाने उन्हें अति पिछड़ों की सूची से बाहर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में इस जातीय सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के बहाने नीतीश कुमार बिहार में जो अति पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़ी जातियां हैं उनका जो वर्तमान कोटा है अभी फिलहाल उनके लिए अति पिछड़ी जातियों के लिए 18% नौकरियों में और पिछड़ी जातियों के लिए 12% का जो कोटा है क्या उसे आने वाले दिनों में बढ़ाने जा रही है। क्योंकि इसका आधार ये कहा जा रहा है कि जब से पूरे देश में EWS कोटा में अग्रणी जाति के 15% लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है तो आखिरकार जो जातीय सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें जो पिछड़ी जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं उनको दोनों को मिलाकर करीब उनकी संख्या 63% है। तो वर्तमान में केवल उन्हें अगर देश के स्तर पर पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा 27% ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो बिहार पहला राज्य होगा कि पहले इन जातियों के लिए वो उसी के अनुरूप जिस प्रकार से EWS कोटा में 15% आबादी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है उसी के अनुरूप जो है पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों का कोटा आने वाले दिनों में बढ़ाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार पर दबाव डालेगा कि केंद्र भी उसी के अनुरूप उसी अनुपात में सरकारी नौकरियों में हो या शैक्षणिक संस्थानों में हो उनके लिए फिर से कोटे का प्रावधान जो है या उसका विस्तार करें।